हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं टेक्नोक्रेट साहब जी यूट्यूब चैनल को। इससे पहले दोस्तों आपने कई सारे अनबॉक्सिंग इस चैनल पर देखे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने जो अनबॉक्सिंग करने वाला हूं वो है Redmi Note 5 Pro का। ये मेरा सबसे पहला फोन होगा जो मैं इस चैनल पर अनबॉक्स करूंगा, तो दोस्तों आइए मिलकर अनबॉक्स करते हैं। तभी आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये वो पैकेट है जो कि MI की ओर से आया है, बिकॉज ये पैकेट जो है वो MI स्टोर से बुक हुआ है। तभी इस पैकेट को अनबॉक्स करते हैं और ये इसके अंदर से मेन कंटेंट निकल के आता है जो कि आपके सामने Redmi Note 5 Pro। कभी इसको साइड में रख लेते हैं और देखिए इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ एक और चीज आपको मिलता है, वो है बिल। इसके साथ ये बिल मिला हुआ है। तब दोस्तों इस बॉक्स का मेन जो है वो इस बॉक्स को अनबॉक्स करना और इसके अंदर के कंटेंट को जानना है। तो वैसे तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है। यदि आपने अब तक किसी की वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ जरूर देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों इस पैकेट के अंदर जो है मेरे पास वो है ब्लू वेरियंट कलर में, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अभी इसके रैपर को निकालते हैं और अनबॉक्स करते हैं। तो भी क्या करना है, इस रैपर को निकालना है। ये एक तो निकल गया, उसके बाद तो फिर अपने आप निकल जाता है और ये ओपन हो रहा है। खुल जा सिम सिम, ये खुल नहीं रहा है। मेरे साथ जरा मिलके बोलिए खुल जा सिम सिम, फिर भी नहीं खुला। आपने बोला नहीं। वाह सही है, यहाँ स्टिकर चिपका हुआ है। तभी इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मिलता है ये एक बॉक्स। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है एक कवर, यानी कि फोन के प्रोटेक्शन गार्ड। तो ये आपको मिलता है फोन का एक प्रोटेक्शन गार्ड जिसमें अपने फोन को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर अब हर एक कंपनी ऑलमोस्ट प्रोवाइड करती है और ये ट्रांसपेरेंट है तो काफी सही है। बाकी अब जो मेन चीज है जिसका वेट होता है वो है ये Redmi Note 5 Pro, जो जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि AI पावर डुअल कैमरा है और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 ओक्टा कोर प्रोसेसर है। तब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, फिलहाल और चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पेपर्स हैं जिनको आप पढ़ते नहीं है और मैं भी नहीं पढ़ूंगा। चार्जर जिसका पावर आउटपुट जो होता है वो 5V 2A होता है, तो ये यूज करेंगे। और ये डाटा केबल जो चार्जिंग और डाटा ट्रांसफर दोनों के टाइम पे काम आएगा। और एक चीज जो कि है इसका सिम इजेक्टर, तो ये इस बार काफी स्लिम और काफी पतला मिला हुआ है, बाकियों से अलग है ये। बिल्कुल वायर का, पतली वायर का बना हुआ लग रहा है। और इसमें कुछ है नहीं अभी, तो इसको भी रख लेते हैं। तभी इसकी अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है ब्लू कलर का है, आपको कलर दिख रहा होगा जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये बहुत ही डैशिंग लग रहा है। देखने से दूर से ही पता चल रहा है कि ये ब्लू कलर जो है काफ़ी लाइट को, आंखों को बहुत अट्रैक्शन लगता है। यहाँ आपको मिलता है डुअल कैमरा जो कि रेयर कैमरा है, 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का विथ LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट सेंसर साथ में होता है। और फ्रंट में आपको मिलता है एक कैमरा जो कि 20 मेगापिक्सल का होता है, जिसमें आप दोस्तों खूबसूरत ही नहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं। और ये AI सेंसर के साथ है, साथ में आपको मिलता है LED फ्लैश यहाँ पे भी। अगर इसके अंदर स्पीकर की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको मिलता है एक सिंगल स्पीकर, लेकिन माइक यहाँ आपको दो मिलता है, जिससे आपका जो बेटर नॉइस कैंसलेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अब यदि इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो ये जो डिस्प्ले है वो 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन जो है वो 2160x1080 पिक्सल है। अब यदि इसके GPU की बात की जाए तो यहाँ बता दूं कि यहाँ पे Adreno 509 मिलता है और इसके इसका जो डिस्प्ले का ग्लास है वो 2.5T गोरिल्ला ग्लास है, तो जो कि इसमें प्रोटेक्शन जो है वो काफी अच्छा बनाए रखेगा। बाकी यदि ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ दोस्तों को पहले हिसाब से बता चुका हूँ कि इसमें Qualcomm Snapdragon 636 का ओक्टा कोर प्रोसेसर है, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन स्पीड मिलती है और इंटरनल स्टोरेज अधिक होने की वजह से और रैम भी अधिक होने की वजह से आपको कभी हैंग होने की प्रॉब्लम नहीं आती है। इनकेस अगर आती है तो स्टार्टिंग में होगी मे बी, बट जनरली आपको ऐसा नहीं आया क्योंकि इसमें स्टोरेज काफी अच्छा आपको मिला और रैम भी काफी अच्छा मिला है। अब दोस्तों कुछ अदर डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें आपको जो दो सिम लगेंगे वो दोनों सिम जो है नैनो सिम होगा। इसके अलावा अगर इसमें सेंसर की बात की है तो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर,
दूसरा प्रोमिक्सिविटी सेंसर, तीसरा एम्बियंट लाइट सेंसर, इनकी लो लाइट में भी आप अच्छा कैमरा का यूज कर सकते हैं, और गायरोस्कोप और कुछ अदर टाइप के सेंसर भी यहाँ आपको मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बजट फोन मैं अपने हिसाब से समझूंगा, लेकिन एक बजट फोन समझूंगा जिसमें आपको सही टाइप के फीचर्स जो है और सही क्वालिटी में मिल जाते हैं। और एज यू नो कि आपको जो फोन पे वन ईयर का वारंटी मिलता है और इसके एसेसरीज पे 6 मंथ का वारंटी मिलता है। तो ये सब दोस्तों हो गया इसके बारे में डिटेल। अब जरा इसको ऑन करके बात कर लेते हैं और देखते हैं इसमें को कितना टाइम लगता है स्टार्ट होने में। तो सबसे पहले स्क्रीन का ये स्टिकर निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई यूज होता नहीं है। और इसे स्टार्ट करते हैं पावर ऑन करने के बाद, देखते हैं कितना टाइम लगता है ऑन करने के बाद। दोस्तों जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप छोटा सा काम कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके सामने कुछ और भी अच्छी वीडियोस में लेके आऊं। और यदि आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं MIUI 9 जो है इसमें डाला हुआ है, और इसमें ऑप्शन आ चुका है इंटर करने का। इंटर करते हैं, सबसे पहला प्रेफरेंस आपको लैंग्वेज होता है, तो आप यहाँ पे UK और US का चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे US चूज करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इसका सेटअप जो कंप्लीट हो चुका है, तो इस प्रकार से ये फोन जो है आपके सामने नजर आता है। दोस्तों ये था आपके सामने Redmi Note 5 Pro के बारे में कुछ बातें और अनबॉक्सिंग। तो भी इससे पहले मैं Redmi Note 5 Pro अपने दोस्त के साथ यूज़ कर रहा था, तो उसका मुझे कैमरा बहुत ही बढ़िया लगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात है वो है इसका डुअल कैमरा, जिसके वजह से क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड जो ब्लर होता है वो इफेक्ट आपको मिलता है, तो वो सभी को पसंद होता है। और अगर आप वीडियो बना रहे हो और बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी लगती है। इस टाइप से दोस्तों ये फोन मुझे बहुत ही पसंद आया है, इस वजह से मैंने इसे परचेस किया। बाकी ओवरऑल इस फोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छा है, जो कि मैंने पहले देख चुका हूँ। तो अभी मैं अपने फोन का, यानी कि इस फोन का मैं आपको एक रिव्यू दूंगा आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ यूज करने के बाद जो इसमें परफॉर्मेंस होगी बैटरी का और कैमरे का, वीडियो रिकॉर्डिंग का, स्क्रीन का, ये सभी चीज़ें आपको 1 मंथ के बाद इसका यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को दोस्तों पसंद आया है तो इस वीडियो को करें लाइक, और दोस्तों कमेंट करें कि आपको Redmi Note 5 Pro कैसा लगता है। और यदि दोस्तों आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपका वेलकम है, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सजेशन मेंशन करें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।